यह दुनिया के वो 10 सबसे विशालकाय सांप जिनकी लंबाई के आगे आपका घर भी छोटा पड़ जाए। इस दुनिया में सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ अपने जहर के कारण खतरनाक होते हैं तो कुछ अपने शिकार को जकड़कर मारने के लिए जाने जाते हैं। आज हम जिन सांपों के बारे में बात करेंगे वो अपनी असाधारण लंबाई को लेकर मशहूर हैं। ये वो सांप हैं जिनकी लंबाई एक इंसान से 5 गुना है और साथ ही ये वजन में कई इंसानों के बराबर होते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के उन सबसे लंबे और सबसे भारी सांपों के बारे में। द किंग ब्राउन स्नेक। किंग ब्राउन स्नेक 11 फुट लंबा हो सकता है, हालांकि इसका वजन 6 किलो तक होता है। ये जहरीला सांप ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों और जंगलों और झाड़ियों में रहता है। किंग कोबरा। किंग कोबरा की लंबाई 13 फुट और वजन 9 किलोग्राम तक हो सकता है। किंग कोबरा न सिर्फ दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक है बल्कि इसे विश्व का सबसे जहरीला सांप भी माना जाता है। किंग कोबरा भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि खतरा महसूस होने पर यह सांप खड़े होकर खुद को और भी बड़ा दिखा सकता है। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। किंग कोबरा की तरह बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर की लंबाई 13 फुट तक हो सकती है और इसका वजन 27 किलोग्राम तक होता है, जिस वजह से इसे विशाल सांपों में से एक माना जाता है। ये सांप दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, इनमें से कुछ वर्षा वनों में जबकि अन्य अर्ध रेगिस्तानी आवास में रहते हैं। द ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा की लंबाई 14 फुट तक हो सकती है मगर इसका वजन महज 2 किलोग्राम ही होता है। कम वजन की वजह से यह जहरीला सांप 12.5 मील प्रति घंटे की स्पीड से रेंग सकता है। ब्लैक माम्बा का घर अफ्रीका के पूर्व और मध्य सवाना मैदान है। अफ्रीकी रॉक पाइथन। अफ्रीकी रॉक पाइथन का वजन 113 किलोग्राम और लंबाई 16 फुट तक हो सकता है। ये अफ्रीका के घास के मैदानों और सवाना में रहता है। ये सांप अपने शिकार को चारों ओर से जकड़कर उनका दम तोड़ देता है। हिरन और मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर भी इसका निवाला बनते हैं। इंडियन पाइथन। इंडियन पाइथन 20 फुट से भी लंबा हो सकता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के जंगलों में पाए जाने वाले इस अजगर का वजन भी 68 किलोग्राम तक हो सकता है। इस सांप का आहार छोटे स्तनपायी और पक्षी होते हैं। बर्मिज पाइथन। बर्मिज पाइथन की लंबाई 23 फुट और इनका वजन 90 किलोग्राम तक हो सकता है। ये सांप चीन सहित दक्षिण पूर्व एशिया के दलदलीय इलाकों में पाया जाता है और खतरनाक होने के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। एमिथीस्टाइन पाइथन। एमिथीस्टाइन पाइथन 27 फुट तक लंबा हो सकता है, हालांकि इसका वजन 14 किलोग्राम तक ही होता है। मादा आमतौर पर नर से बड़ी होती है। ये अजगर इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इसके अलावा इसके आवास में ट्रॉपिकल वन सवाना और झाड़ियां भी शामिल है। रेटिकुलेट पाइथन। रेटिकुलेट पाइथन को जालीदार अजगर भी कहा जाता है। इसके त्वचा पर भूरे, पीले और काले रंग की धारियों के मिश्रण पैटर्न के कारण इसे ये नाम मिला है। ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा सांप है। इसकी लंबाई 29 फुट तक हो सकती है और वजन 270 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। मादा आमतौर पर नर सांपों से बड़ी होती है। ये अजगर दक्षिण पूर्व एशिया, बांग्लादेश और वियतनाम के वर्षावनों और दलदलिया इलाकों में रहता है। ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा को दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। ये सांप 30 फुट तक लंबा और करीब 250 किलोग्राम वजनी हो सकता है। ये इतना बड़ा होता है कि एक बार में ही 10 से 12 लोगों को आराम से जकड़ सकता है। हालांकि मादा एनाकोंडा की लंबाई नर एनाकोंडा से ज्यादा होता है। ये एनाकोंडा ब्राजील के अमेजोन वर्षा वन और दलदलिया इलाकों में रहता है। ये जंगली सुअरों और हिरनों को अपना निवाला बनाता है। ये अपने मुंह को अपने बॉडी की तुलना में कई गुना तक फैलाकर बड़ा कर सकता है और अगर चाहे तो ये एक भैंसे को भी निगल सकता है। दोस्तों, तो ये थे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी सांप। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।